एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शारदा वर्सेस चोचो का मैच और उनके मैच चालू होने में सिर्फ 15 मिनट्स बाकी रहते हैं। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नारुतो और शिकामारु बात करते हैं कि ये मैच देखने लायक होगा। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो शिकारा है वो टॉयलेट में जाता है और जैसे वो टॉयलेट के बाहर आता है उसे वहाँ पर इनुजिन दिखता है और इनुजिन वहाँ पर सैडली बैठा हुआ रहता है। एंड फिर तभी वहाँ पर चोचो भी आ जाती है और चोचो कहती है मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगी और जो इनुजिन है वो भी कहता है हाँ तुम कर लोगी। देन जो शिकारा है वो कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो। देन जो चोचो है वो कहते हैं तुमने हमारे लिए तुम्हारा वेस्ट नहीं पहना। देन जो शिकारा है वो कहता है वो मेरे लिए सूट नहीं करता। देन जो चोचो और इनुजिन है वो कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तभी जो चोचो है वो कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं ये मैच जीत के रहूंगी। फिर चोचो आगे चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है वसाबी की टीम शारदा से पूछती है क्या तुम नर्वस नहीं हो, तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हारी मैच लड़नी है। देन शारदा कहती है ऐसा नहीं है मैं प्रिपेयर्ड हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखा जाता है जो कवाकी है वो शिंकी को देख के थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और जो कवाकी है वो बैटलफील्ड छोड़ के जाता है। फिर शिंकी अपने दोस्तों से कहता है मैं अभी थोड़ी देर में आया। फिर शिंकी बाहर जाता है एंड वो कवाकी के पीछे जाना शुरू कर देता है। फिर कवाकी शिंकी से कहता है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर शिंकी उसे कहता है कुछ नहीं बस तुम्हें ये मैच देखना चाहिए। फिर कवाकी कहता है साइड में हटो मुझे नहीं आना। फिर शिंकी कवाकी से फाइट कर देता है और शिंकी कवाकी को दो बार गिरा देता है एंड कवाकी को मजबूरन मैच देखने को आना ही पड़ता है। एंड नेक्स्ट सीन में जो शिंकी है वो अपनी सीट पे वापस आता है। फिर तभी उसके दोस्त कहते हैं ये तो जल्दी हो गया। एंड जो चोचो वर्सेस शारदा की मैच है वो भी चालू हो जाती है। एंड बैटल में हमें दिखाया जाता है दोनों भी अपने ताइजुत्सु स्किल्स के साथ ही साथ एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं एंड दोनों भी अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं। फिर चोचो अपने एक्सपांशन जुत्सु से अपने हाथ बड़े करके शारदा के ऊपर अटैक करती है बट शारदा बचने के लिए अपने इलेक्ट्रिक शुरिकेन्स उसके ऊपर एक के बाद एक फेंकती जाती है जिसके कारण चोचो है वो डिस्ट्रैक्ट होकर नीचे गिर जाती है। शारदा उसे देखने के लिए आगे आती है कि तभी चोचो उसे कहती है तुम अपना पूरा दम नहीं लगा रहे हो एंड वो उसे गुस्से में कहती है मैं कुछ भी करके चुनी बनने ही वाली हूँ। एंड वो उसे गुस्से के साथ ही साथ एक जोरदार पंच मार देती है जिसके कारण जो शारदा है वो दूर जाके गिर जाती है। फिर सभी लोग बैटल को देखते हुए बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर चोचो शारदा को कहती है मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है चुनिन बनने के लिए और मैं शिकारा को इस बार निराश नहीं करूंगी और मैं कुछ भी करके चुनिन बन के ही रहूंगी। फिर शारदा भी अपने मन ही मन कहती है चुनिन बनने के लिए मैंने भी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है, मैंने अपने डैड के साथ बहुत ही ज्यादा बातें की है प्रिपेयर होने के लिए। फिर हमें पास का सीन याद आता है जिसमें शारदा सास्के से ट्रेनिंग लेती है। देन सास्के उसे कहता है तुम्हें अच्छा शिनोबी बनने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर शारदा उसे कहती है मैं हमेशा प्रिपेयर्ड हूँ और वो सामने अटैक करने के लिए आ जाती है। फिर उनकी बैटल फिर से चालू हो जाती है एंड इस बार शारदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना फास्टल फॉरवर्ड जुत्सु यूज़ करती है बट चोचो भी उसे बचने के लिए अपना एक्सपांशन जुत्सु यूज़ करके उसके ऊपर रोल होकर अटैक करती है एंड जो शारदा है वो वहाँ से बच जाती है। फिर शारदा उसके ऊपर एक और फायरबॉल फास्टल का जुत्सु यूज़ करती है एंड जो चोचो है वो उससे भी बच जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं बिकॉज ऑफ हैवी यूजेज ऑफ चक्रा। एंड अगले सीन में जो चोचो है वो उसे कहती है अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हुआ एंड जो शारदा है वो भी यही कहती है। एंड इस वाले मूव में जो शारदा है वो अपनी चिदोरी बना लेती है एंड जो चोचो है वो अपनी बटरफ्लाई फॉर्म में आ जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे के सामने अटैक करने के लिए आ जाते हैं और ये सीन को देख के यार पूरा मास्टरपीस एपिसोड बन जाता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड फाइनल ब्लो में जीत जाती है शारदा और जो चोचो है वो नीचे गिर जाती है एंड इस मैच का विनर हो जाती है शारदा। फिर चोचो को बचाने के लिए वहाँ पे शिकारा है और इनुजिन आ जाते हैं एंड जो चोचो है वो कहते हैं मैं हार गई एंड जो इनुजिन एंड शिकारा है वो चोचो को उठा के वहाँ से ले जाती है एंड जो चोचो है वो कहते हैं मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई और मैं हार गई। एंड जो इनुजिन है वो उसे कहता है कोई बात नहीं वैसे भी वो जैकेट शिकारा के ऊपर अच्छा नहीं दिखता था। देन शिकारा और इनुजिन की बहस हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो सास्के वो शारदा से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया एंड जो शारदा है वो कहती है थैंक यू एंड उन दोनों की बातें चालू हो जाती है। फिर शारदा कहती है ओ नो वो दोनों अभी तक नहीं आए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बोल्ट और मिच की फाइनली अमाडो के लोकेशन में आ जाते हैं जिसमें वो लोग अमाडो से कुछ साइंटिफिक निंजा टूल्स बनवाने के लिए कहते हैं बट जो अमाडो है वो कहता है हाँ ठीक है। फिर जो बोल्ट एंड मिच की वो कहते हैं अमाडो ट्रेटर तो नहीं है। फिर अमाडो कहता है बट सॉरी मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं लीफ विलेज का अलाय बन चुका हूँ। एंड जो आदमी है वो कहता है तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। फिर वो लोग अमाडो को पकड़ लेते हैं। फिर तभी एंट्री होती है बोल्ट एंड मिच्की की एंड वो अमाडो को बचा के वहाँ से ले जाते हैं एंड जो अमाडो है वो उन लोगों को थैंक यू कहता है। फिर बोल्ट एंड मिच्की उसे कहते हैं थैंक यू बोलने के लिए अभी वक्त नहीं है और वो उसे वहीं पर रख के दूर से भाग के चुनिन एग्जाम की ओर भागना शुरू कर देते हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में जो डेंकी है वो कहता है अब सिर्फ बोरुटो मिट्सुकी और सुबासा की बची है। एंड हमें पता चलता है डेंकी वर्सेस समुराई गर्ल की मैच यानी कि सुबाकी की मैच होने वाली है। तो यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आ गया हो, तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।